मॉर्निंग एंड राम राम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। मैं आई हूँ छत पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मम्मी और कुकू है ना छत पर सोते हैं, तो उनके जो बिस्तर है अभी नीचे नीचे सो रहे हैं। ये देखो, आपको सनलाइट बहुत तेज़ आ रही है तो मेरा कैमरा भी फोकस नहीं ले पा रहा है। तो उनके बिस्तर में उठाने आई थी, मेरी जी नीचे ही सोने लगी अभी, क्योंकि उनको जुकाम और फीवर की शिकायत तो है थोड़ी थोड़ी, हालांकि वो दवा ले ही आए फाइनली, तो अभी थोड़ा रिलीफ है, काफ़ी अच्छा रिलीफ है। मैं बिस्तर को उठा दूँ जल्दी से और देखते हैं आज क्या होता है। अभी तो खाना पीना कुछ भी है ना, आपको आवाज़ ही आ रही होगी, मेरी जी है ना भैंसों को बांध रहे हैं, तो भैंस है ना कभी सीधी नहीं चलती। चलो पहले मैं बिस्तर उठा लूँ, फिर मैं देखने जाती हूँ, मुझे भी काम है उधर। और आप ये ऊपर देख रहे हैं ना, ये सब है ना मम्मी ने बनाए थे पहले, मम्मी दीदी बड़ी वाली दीदी, ये मतलब पहले बर्तन चलते थे मिट्टी के, तो अभी ना इनमें ना चुहिया होल कर देती हैं अगर कुछ भी नाज वगैरह रख दो तो, इसलिए मैं इन्हें यूज़ नहीं करती। हालांकि पेंट वेंट करके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, पर ना इनको चूहे काट देते हैं क्योंकि ये कागज़ और मिट्टी के बने होते हैं। सावन लग गए ना तो रस्सी थी नहीं, बच्चों ने अम्मा की धोती फाड़ डाली। ये अपना तकिया लिया, इसका छोटे फिर तकिया लगाता था, अब काम आ रहा है। हालांकि पटली है, मैंने उतारी नहीं है, तो नीचे बोल रहे थे टाइम मिल जाएगा तो रस्सा लेकर आऊँगा, अभी इसी से काम चला रहे हैं। बच्चे देखो, ये कभी भी टूट के गिर सकती है, पर मानती नहीं है। आज हमारे घर ये देखो आलू आए हैं, ये एक ही आलू है, ये बड़ा और ये छोटा एक ही है। वो जो भाई साहब है ना मुनिंदर भाई साहब जो है एसी वाले, मानसी के पापा, ये उनकी सिस्टर है, उनके यहाँ से आए हैं और ये लोग घूमने गए थे वहाँ पे, उनकी मैडम को बुलाने गए थे, तो उन्होंने गिफ्ट में दिए ये आलू हमें। कहाँ जा रहे हैं, चारा लेंगे? हाँ न्यार लेवे, ज्वार लेवे। मैं तुझे ऐसा धक्का दूंगा गेट से बाहर निकलेगा, तू देख देखा। इधर दिखा, अभी पापा आ जाए ना रस्सी लेकर आएंगे तब झूला झूलना, ठीक है ना। 1, 2, and 3। ठंड लग गई। अच्छा तो फिर सब झूला झूले हैं, फिर पंखा चलाने की जरूरत ही ना है फिर तो। जो वहाँ से वेस्ट हो जाती है ना झाड़ू, उनको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, तो वो थोड़ा चलती रहती हैं। और उधर की भी अभी ख़राब हो गई है, पर अभी भी निजी को टाइम ही नहीं मिल रहा मार्केट जाने का, तो झाड़ू ही नहीं आ रही। देखो कितनी झोटी झाड़ू से काम कर रहे हो, देखा तुम्हारी नट बोल्ट टाइट करो पहले, तेरे ढीले कर दूंगा। मेरे तो ढीले ही सही हैं, और ज़्यादा टाइट है ना तो तुम ज़्यादा काम ले पाओगे फिर। एक बार ध्यान निक्की ना, दीदी यहाँ पे दलिया भून रही, देख के पीछे और स्याही वाली जो बोतल अटक गई, मैं काला तेल भर रखा हाथ में लेकर पूरे मुंह पे लगा लिया जो काला तेल। लवी हंस रही, मारा मार हंस रही लवी, और दीदी है फिर आई गुस्सा, हंस रही है। हंसी तो मेरे में भी आ रही है पर मैं चुप रही, मैं दीदी गुस्सा कर रही है। गर्मी पड़ रही है, झाड़ते झाड़ते हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पता है कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, हाँ मैंने आपको है ना सावन के पहले सोमवार का विश नहीं किया, तो आप सभी को सावन मुबारक हो।
और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव से ही किचन का जो राशन आता है ना, और चक्की से आटा, जिनके घर चक्की चलती रहती है, मैं बोलती हूँ आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही है, उनकी मम्मी जी ख़त्म हो गई थी, यानी हमारी वो ताई जी लगती हैं। और कुछ भी नहीं था परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं थी, ना बुखार ना कुछ, मतलब सडनली, मतलब वो ना नल से पानी भर रही थी और पानी भरते भरते ही चक्कर आया और वो गिर गई और फिर ख़त्म हो गई यहीं पे। वैसे जो हमारे गांव के डॉक्टर भैया, उन्होंने बोल दिया था कि पल्स वगैरह नहीं चल रही हैं, तो फिर भी तसल्ली के लिए ले ही जाते हैं भाई, किसी को यकीन नहीं होता। तो वो भाई साहब फिर भी अलीगढ़ लेकर गए थे, तो वहाँ दिखाया तो वहाँ पे मना कर दिया था, तो उनकी आत्मा को शांति दे बस। लो जी ये बन गई है यहाँ पे, देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यहाँ पे क्लीन था और देखो नीचे देखो क्या हाल हो रहा है, वो जनाब उधर बंधे हुए हैं, वो रहा भाई, ये लोग भी कैमरा जानते हैं, देखो कैसे देख रहे हैं तीनों के तीनों। बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही है सच्ची में, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो और रात को बताया मैं लेट सोई, और मैं बताती हूँ क्यों लेट सोई। पता है मैं कल एक ना एबजी चैनल है उस पे ना सीरियल देख रही थी, तो सीरियल जैसे ही ख़त्म होना, मैं फ़र्स्ट टाइम देखा तो एक वहाँ पे ना दिलचस्प किस्से करके एक सीरियल आता है, तो उसमें सीरियल कुछ भी नहीं है, वो स्टोरी बताते हैं, पीयूष करके है उनका नाम कुछ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा यार, वो रियल स्टोरी थी सच्ची में। एक बताती क्या था कि झारखंड में कोई परुलिया नाम का स्टेशन है, वो यार हंटेड स्टेशन है और उसका रिकॉर्ड पता है गवर्नमेंट में भी है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज के ज़माने में भी, मतलब मैंने पता है फिल्मी किस्से होते हैं ना कि ये भूतिया घर है और ये वो, तो मैंने फर्स्ट टाइम पता रियल में कुछ सुना। और हालांकि कुछ जगह हैं ऐसी सुनने में आया, पर रियल जो मुझे लगा वो ये लगा। और फिर उसके बाद जैसी वो स्टोरी ख़त्म हुई ना, तो मैंने उसके बारे में सर्च भी किया यार। और पता है उस स्टेशन की खास बात क्या थी, वो 1965 में बना था, नहीं 1960 में बना था, और 5 ईयर्स तक वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब 67 आया ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही किस्से सुनने में लगे कि एक लड़की थी जो कट के मर गई थी, उसकी आत्मा वहीं भटक गई थी, क्योंकि उस ज़माने में कहते हैं ना, जब तक पुलिस वगैरह सर्चिंग के लिए पहुँचती थी ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता था, तो वो जो ट्रैक पे उसकी जो डेड बॉडी पड़ी थी ना, वो वहीं पे, मतलब उसके 2-3 दिन तक पड़ी रही थी, और फिर कुत्ते वुत्ते खा गए उसके, पता नहीं क्या, कोई भी उसका वो नहीं मिला। तो हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब तक बॉडी का अंतिम संस्कार ना किया जाए, तो उसकी वो प्रेत बन जाती है या आत्मा वहीं भटकती रहती है, तो वही हाल उसके साथ था। तो कहते जब भी कोई ट्रेन गुजरती थी ना उस टाइम पे, तो वो ट्रेन के साथ भागती थी, और कहते जिसके साथ भी उसकी निगाह मिल जाती थी ना, उसकी डेथ हो जाती थी सच्ची में। तो कहते हैं कि ना वहाँ से जो भी ट्रेन गुजरती थी, पहले ही अलर्ट कर दिया जाता था कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा आपने, जो लोकल पैसेंजर्स वगैरह होते हैं ट्रेन होती हैं, वो सब खास करके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ट्रेन के डब्बों के गेट के पास, खिड़की के पास बहुत अधिकतर लोग बैठते हैं, तो सब बंद कर लिए जाते थे, और वो उसके साथ भागती थी, और काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ भी हुई थी। तो अब भी कहते हैं वो 42 साल तक वो स्टेशन बंद रहा था, और 2007 में जाके उसकी फिर उसका फिर दोबारा से रिसर्च हुआ, जो भी नेगेटिव वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे कम पाई गई, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ बदल चुकी थी बोलते हैं। तो मैंने इसीलिए, मुझे बड़ा शौक सा हुआ था। तो अभी भी कहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट में कि जब भी दिन छुप जाता है ना, वहाँ से पूरा स्टाफ बिल्कुल स्टेशन पे ताला लग जाता है, और जो ट्रेनें जाती हैं ना, हर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, कोई भी ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकती है उस स्टेशन पे दिन छिपने के बाद। तो मैं पता है बहुत ज़्यादा मैंने उसके बारे में फिर यूट्यूब पे भी सर्च किया था, यार सारी बातें रियल थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बताओ कि इस ज़माने में भी ऐसी बातें हैं। जो छोटे छोटे आलू हैं ना, हम वो निकाल रहे हैं, और जैसे कुछ थोड़े थोड़े ख़राब से होते हैं वो, तो पहले इनको यूज़ कर लेंगे, और कोल्ड स्टोर में थोड़े हो जाते हैं आलू ऐसे,
तो पहले उन्हीं को निकाल रहे हैं और फिर इनको वॉश करके घर पे रख दूंगी। और अवनी जी बोल रहे हैं बरूले बनाएंगे तो मैं वही बनाने वाली हूँ। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई विश आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।